आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया 24 आपके साथ मैं हूं राशि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरिया में विधायक प्रत्याशी ने किया पार्टी का आयोजन, मीडिया को खबर लगते ही मुंह छिपाकर भागते नजर आए भाजपा के नेता। चुनाव आते ही नामांकन फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू, सूरजपुर में पहले दिन 14 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। कोरबा में मां बेटी के साथ लूट के आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर की कार्रवाई। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से विधायक प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा अमृतधारा पर्यटक स्थल पर खुलेआम पार्टी देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद विरोधी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। आपको बता दें कि अमृतधारा में हुए इस पार्टी में लगभग 80 लोग शामिल हुए। मीडिया कर्मियों को इस बात की भनक लगते ही विधायक वहां से निकल गए। वहीं पार्टी की व्यवस्था देख रहे नगर निगम चिरमिरी के सभापति कीर्ति बसु कैमरा को देखकर भागने लगे। खाना बना रहे कैटरर ने बताया कि मनेन्द्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल सभी के साथ खाना खाकर निकल गया। इस मामले की जानकारी लगते ही अब कांग्रेस पार्टी के निर्वाचन आयोग को शिकायत करने की बात कही है। कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? हल्दीबाड़ी से। यहां कितने लोगों का खाना पीना बना था अभी यहां पर? 80 लोगों का। कौन बनवाया था? कौन विधायक? नाम बता। राम विराज जसवाल। आप मिस्त्री हैं यहाँ पर? जी। कितने लोगों का खाना बना था यहाँ पर? 80। अच्छा, कितने बजे शुरू हुआ था खाना? खाना लगभग 1:30 बजे। 1:30 बजे। अब अम्बियारी जी कहाँ हैं अभी पर? जी, विधायक जी कहाँ हैं अभी पर? विधायक चले गए खाना। खाना खा के चले गए? सभी कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाए? हाँ। किसी प्रकार का पैकेट वगैरह वितरण हुआ क्या, पैसे वगैरह का? इसलिए कहाँ कैसे आए हैं पर? खाना बनाने। खाना कितने लोग खाना बनाए? लगभग लगभग 80 आदमी खाना बना। कौन बनाया है विधायक जी? ये बहुत घोर आपत्तिजनक है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आश्चर्य मुझे हुआ जानकर कि माननीय विधायक जी एक बार विधायक रहने के बाद आचार संहिता का इस तरह से खुला उल्लंघन कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है और मैं समझता हूँ कि ये न केवल आचार संहिता का उल्लंघन की बात है बल्कि ये 15 साल के बीजेपी के सरकार में जो छत्तीसगढ़ में नियम कानूनों को ताक पर रखकर जिस तरह से ये नंगा नाच रहे हैं ये शुरुआत है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि हम कांग्रेसी लोग इनके इस दबावपूर्ण राजनीति के उस पे हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये इतने आकंठ में डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार के और शासन प्रशासन के किसी अधिकारी को तो ये कुछ समझते नहीं। इन्हें लगता है कि इनके घर का ये सब लोकतंत्र में जो अधिकार दिए गए इनके घर का खेती मूली है। ये मैं तो देखा हूं कई बार बड़े बड़े अधिकारियों को इन लोगों को बदतमीजी करते भी मैंने देखा है और ये भी मैंने देखा है कि बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं खुले रूप से कि बीजेपी के एमएलए को टिकट मिल जाने के बाद उनके समर्थकों ने बदतमीजी की है। जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष और उनके साथी समर्थकों के साथ इस तरह के काम हो रहे हैं और दारू मुर्गा का इस तरह से खुला खेल एक सार्वजनिक पिकनिक स्पॉट पर अगर ये किया गया है निश्चित रूप से ये मैं मांग करता हूं कि निर्वाचन आयोग को इस पे जांच करनी चाहिए क्योंकि जिला प्रशासन से तो कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं एक पिकनिक होता है कई घंटों तक दारू मुर्गा का खेल चलता है और ऐसे में अगर प्रशासन को नहीं दिखा तो ये इनके बस की बात नहीं है कि ये कोई जांच कर पाएंगे। इसलिए निर्वाचन आयोग से मेरा मांग है कि ये सूरजपुर में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही उम्मीदवारों का नामांकन फॉर्म लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुभ मुहूर्त में प्रदेश के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने पहला फॉर्म खरीदा। इसके बाद तो फॉर्म लेने वालों का आना जाना शुरू हो गया। ग्राम में अब तक 14 उम्मीदवारों ने नामांकन भर लिया है। नामांकन फॉर्म लेने के बाद गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने अपनी जीत के साथ सरगुजा की 8 सीटों पर भी जीत हासिल करने की बात कही। हालांकि सूरजपुर जिले के किसी भी विधानसभा प्रत्याशी ने नामांकन दर्ज नहीं किया है। देखिए, आज मैं शुभ मुहूर्त में फॉर्म लिया है और मैंने खाता खोला है पहला फॉर्म लेकर के। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हमारा बीएसवी तो जीतेंगे लेकिन हमारे अन्य सीटों को भी हमारे प्रयास से सरगुजा जिले के सूरजपुर जिले के और बलरामपुर जिले के 8 सीटें हैं। 8ों में से हमारा प्रयास जारी है कि हमारे सभी प्रत्याशी जीत गए हैं और अभी तो फॉर्म भरा करके और पता चलेगा कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। निर्दलीय बहुत सारे भर रहे हैं
लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी के इन 15 सालों में माननीय डॉक्टरों के नेतृत्व में काम हुए हैं, विकास हुए हैं, उन सारों लक्ष्य को लेकर हम जनता को जा रहे हैं। बात करेंगे कोरबा की, जहां कोरबा के 15 ब्लॉक कॉलोनी में मां बेटी के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मुखबिर की सूचना के आधार पर धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपी संजय नगर बस्ती निवासी हैं। इनके पास से पुलिस ने नकदी रकम और मोबाइल बरामद किए हैं। आपको बता दें कि सीएसईबी चौकी अंतर्गत 15 ब्लॉक कॉलोनी में कुछ दिनों पहले स्कूटी सवार मां बेटी के साथ बाइक सवार 2 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इधर देख भाई, इधर देख, इधर कहाँ रहता है? सुना लीजिए, मतलब रोड बताने वाला तू है? जी सर, मामला क्या था सर, कहाँ का? ये 15 ब्लॉक में 24/7/18 को माँ बेटी एक स्कूटी से जा रहे थे, तो वहाँ सामान खरीदने के लिए रुके, तो मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के उनका पर्स छीनकर जो है लूट किए थे। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया था। साइबर सेल एवं क्राइम ब्रांच के सहयोग से जो है ये मुखबिर की सूचना पर संदेही आकाश डांगी एवं अमन मसीह को पकड़कर पूछताछ किया गया। उन्होंने अपना अपराध कबूल किया और लूटे हुए जियो मोबाइल एवं नकदी रकम 1500 रुपये उससे बरामद कर लिया गया, तो गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है और प्रकरण में चालान जल्द ही चालान पर शुरू किया जाएगा। जशपुर जनपद पंचायत बगीचा के ग्राम घोरडेगा में ठेकेदार द्वारा प्रधानमंत्री आवास में पैसा हथियाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हितग्राही रामराज यादव की प्रधानमंत्री आवास की सारी राशि ठेकेदार शिवनारायण यादव द्वारा हथिया ली गई और हितग्राही रामराज यादव का मकान अभी भी अधूरा पड़ा है। मैं रामराज यादव, मेरा प्रधानमंत्री आवास निकला है 2017 में और शिवनारायण द्वारा इसे लगाया गया, जो कि कार्तिक में शुरू किया गया और कार्तिक में ढलाई हुआ और आज तक पन्ना प्लस्तर कुछ नहीं हुआ है, खिड़की भी अधूरा है, वेंटिलेटर भी नहीं लगा है और घंटी रेक्टर खिड़की सीमेंट सब अपने घर में रखा है और आज तक प्लस्तर नहीं कर रहा है और 7-8 आदमी के दबाव करके मेरा पैसा सब अपहरण किया गया और कहने पर बोलता है कि नहीं करेंगे, जाओ जहां जाना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए धमतरी जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र धमतरी, कुरूद और सिहापा के लिए शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 13 अभ्यर्थियों ने नामांकन फॉर्म खरीदा, जिसमें से एक ने जमा भी कर दिया। नामांकन के पहले दिन कलेक्ट्रेट परिसर में काफी गहमागहमी रही, यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में धमतरी जिले की 3 विधानसभा सीट पर आगामी 20 नवम्बर को मतदान होने हैं, जिसकी तैयारियों में प्रशासन लगा हुआ है। के प्रति तो 100% विश्वास है, जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 सालों में काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है लोगों के लिए,
जितने भी उनको मूलभूत सुविधाएं थी, जो भी क्षेत्र की बहुत बड़ी जो समस्याएं थी उनको जिस तरह से निराकरण किया गया है, निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता हमारे साथ है और उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा और चौथी बार हम सरकार बनाएंगे, इतना उन पर पूर्ण विश्वास है। खल्लारी के लोग मतदान बहिष्कार जैसी घोषणा कर रहे हैं जी, खल्लारी क्षेत्र के लोग नाराज हैं, उनके क्षेत्र में अभी तक वो सुविधाएं नहीं पहुँच पाई। नहीं भाई साहब, देखिए खल्लारी का मामला थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभ्यारण्य क्षेत्र है वो, और चाह के भी सरकार वहाँ पर काफ़ी सारे काम करा पाने में असमर्थ है, लेकिन समय प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे जो भी वहाँ पर समस्याएं हैं उनका निराकरण हम सब करा सकें। इसके लिए टाइम जरूर लगेगा क्योंकि जो सेंचुरी एरिया अभ्यारण्य क्षेत्र का मामला है स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंदर ही हम सब रहते हैं। इस कारण से हो सकता है उनको दिक्कतें होंगी, पर उनसे मिल करके बात किया जाएगा और लोग वहाँ के भी क्योंकि हमको हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी उनका सहयोग हमको मिलेगा। नहीं देखिए, आप मेरे ख्याल से आपको जानकारी नहीं है, जिस दिन टिकट की घोषणा हुई थी उसके दूसरे दिन ही विधायक जी आए थे और मीटिंग में आए थे, हम साथ में ही थे और हमारे जो पितृपुरुष हैं माननीय दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी, हमने उन दोनों के चित्रों पर माल्यार्पण किया था, विधायक जी हमारे साथ थे और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है और आज विधायक जी हर बैठक में जा रहे हैं, कल रायपुर में बैठक थी उस समिति में वो भी थे, वहाँ पर भी गए थे, ऐसे कोई भी नाराजगी नहीं है वहाँ पर। फॉर्म देखिए पार्टी की तरफ से 1 तारीख का डेट तय हुआ है और जिले के सभी लोग आकर के 1 तारीख को ही फॉर्म जमा करेंगे। गुलजार सिंह मरकाम को मना लेंगे या नाराज रहेंगे वो और सहयोग करेंगे? देखिए गुलजार सिंह मरकाम जी के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पहले की बात थी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने टिकट डिक्लेयर होने के बाद में उनके पास में जाकर के आशीर्वाद लिया है और उन्होंने पूरी तरह से मुझे आशीर्वाद दिया है और पूर्ण आश्वस्त किया है कि पार्टी को विजयश्री दिलाने में उनका योगदान रहेगा। धन्यवाद भैया जी। शुरुआत है फॉर्म नामांकन भरने का, तो आज हमने सभी वरिष्ठ लोगों के साथ, हमारे जिलाध्यक्ष महाराज जी, हम सभी वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर आज फॉर्म लिया है और 31 तारीख को हम लोग फॉर्म भरेंगे। भैया आंकड़े तो मैं बता नहीं सकता, बाकी इतना मैं जानता हूँ कि जनता परिवर्तन चाहती है, जनता दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है और हमारा जो शपथ पत्र है वो हमारे काम करने का, हमारा वादा निभाने का गारंटी है और जनता बदलाव चाहती है, बदलाव की लहर चल रही है और हमारी पार्टी और हमारी जो टीम है अवश्य जीतेगी और बहुत अच्छे वोटों से, काफी अंतर से हम जीत हासिल करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के जेजूपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बोर्डसरा में बहू ने अपनी आबरू बचाने के लिए अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। जहां देवकुमारी चंद्रा ने अपने ससुर इतवारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। देवकुमारी चंद्रा अपने बच्चों के साथ घर में रह रही थी, तभी उनका ससुर भी घर में था और ससुर ने उसके साथ बदतमीजी की। फिलहाल पुलिस ने देवकुमारी को हिरासत में ले लिया। करीब 11 बजे हमारे थाने में बोरसरा गांव की एक देव कुमारी नाम की महिला गई और उसने बताया कि वो अपने ससुर की हत्या कर दी है, जिसके तस्दीक करने के लिए हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। हो सकता है जिंदा हो, परंतु वो फौत हो चुका था। उसने बताई कि उसका पति जम्मू कश्मीर खाने के लिए गया हुआ है, इस बीच अपने बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ रहती है, साथ में उसका ससुर भी रहता है जिसका नाम इतवारी उर्फ विदुर है। सुबह 8:30 करीब इसको गलत नियत से इसका हाथ वगैरह को पकड़ रहा था कि उसका विरोध की, जिस पर से उसके साथ एक पहले बत्ता से मारी और फिर एक लोहे के कट्टा जो होता है जिसमें कटारी बोलते हैं जिसको, उससे मारपीट की है जिससे वो फौत हो गया है, जिसकी विवेचना चल रही है, उसको हिरासत में ले लिए है, पूछताछ की जा रही है। पेंड्रा के मरवाही विधानसभा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है और ये शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसको लेकर कांग्रेसी नेता अधिकारियों को शिकायत और ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी और मरवाही प्रत्याशी अजीत जोगी के प्रचार को लेकर निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई है। गोरेला पेंड्रा और मरवाही के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के द्वारा मरवाही विधानसभा के गांव-गांव में नाचा पार्टी के द्वारा बगैर अनुमति के नाचा का आयोजन किया जा रहा है।
जो जनता कांग्रेस के जो भी वहाँ प्रत्याशी होंगे उनके द्वारा, खास करके जो नाचा पार्टी इनके द्वारा रखा गया है, चार चार छः छः एक टीम बनी हुई है, छः छः जगहों में नाचा एक साथ कर रहे हैं। आखिर हम माननीय निर्वाचन कार्यालय हम लोग आए हुए हैं और अधिकारी से जानना चाहेंगे कि आखिर नाचा पार्टी का इन्होंने परमिशन लिया है, और लिया है तो कितनी गाड़ियों में लिया है, इसकी जानकारी चाहते हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा जो अवैध रूप से प्रत्येक ग्रामों में 20-20, 25-25 जगहों में वॉल पेंटिंग बड़े बड़े साइज पे किए जा रहे हैं, अगर कैसे किस तरह से परमिशन है, इस बात की जानकारी लेने हम लोग आए। कौन कर रहा है ऐसे नियमों को उल्लंघन? ये छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। पेंड्रा से खबर, जहां पेंड्रा का मरवाही प्रदेश का ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र होगा जहां के मतदाताओं को पोलिंग बूथों के बाहर घंटों कतार में खड़े नहीं रहना पड़ेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र में अलग अलग से प्रतीक्षालय बनाया जाएगा, यहां कुर्सियां भी लगाई जाएंगी। मतदान करने आने वाले लोगों को यहीं बैठकर टोकन दिया जाएगा। प्रतीक्षालय से एक एक मतदाता को मतदान मितान पोलिंग बूथों तक लेकर जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर पी दयानंद ने ये अनूठी योजना बनाई है और इसको लेकर काम भी शुरू हो गया है। वहीं गर्मी से राहत के लिए पंखे की व्यवस्था भी यहां रहेगी, तो पानी पिलाने के लिए दो लोगों की अलग से ड्यूटी लगाई गई है। मरवाही विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों को अब सुविधा से मतदान करने का मौका मिलेगा और सभी 233 बूथों में मतदाता कतार लगाकर बूथ के बाहर खड़े नहीं नजर आएंगे और ना ही वोट डालने के लिए उनको मशक्कत करनी पड़ेगी। ये पहली बार होगा जब सभी 233 बूथों में फर्स्ट एड मितान नजर आएंगी। देखिए, इस बार हमारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ में दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ हम लोग दिव्यांगजनों के लिए आज मतदाता जागरूकता रैली भी निकाला है। हमको 100% इस बार हमारा मतदान को सुनिश्चित करना है। इस दृष्टिकोण से हर एक बूथों में हमने एक व्हील चेयर की व्यवस्था की है, साथ ही साथ एक हेल्थ बूथ भी बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पे हम हेल्प डेस्क भी बनाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी मतदाता को ना हो। वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, उनके लिए हर चीज़ के टोकन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था हमारे द्वारा प्रशासन द्वारा की जा रही है। बालोद ग्राम पंचायत दुधली जनपद पंचायत डूंडी लोहारा भ्रष्टाचारियों का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ एक चबूतरे का निर्माण किया जा रहा है। ये काम 40 लाख का है, परंतु वहाँ ना ही कोई वार्ड है और ना ही कोई सक्षम व्यक्ति जो बता सके कि काम किस तरीके से हो रहा है। इस बजाय बाकायदा एक दलाल नुमा व्यक्ति नियुक्त किया गया है और ये व्यक्ति रिपोर्टरों से उलझ कर और उन्हें उलझा कर रिपोर्टिंग में हस्तक्षेप करने का काम करता है। चबूतरा निर्माण में आचार संहिता का जमकर फायदा उठाते हुए धांधली की जा रही है। इसका ताजा नमूना वहां पर रखी ईंट मटेरियल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सूरजपुर विधानसभा में भाजपा की ओर से पूर्व जिला अध्यक्ष विजय प्रताप का नाम मजबूती के साथ सामने आने के साथ ही उनकी उम्मीदवारों को लेकर क्षेत्र में तेजी से विरोध के सुर उभरने लगे हैं। भटगांव क्षेत्र में कभी स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी को भारी प्रत्याशी बताने वाले विजय प्रताप को भी अब प्रेम नगर क्षेत्र में भारी प्रत्याशी होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनके टिकट का विरोध करने वाले रामकिशन साहू अपहरण कांड को भी प्रमुखता से प्रचारित कर रहे हैं और विजय प्रताप के विरोधी सक्रिय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग काफी सजग और सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया में पोस्ट करने के संबंध में चंद्रपुर विधानसभा की बीजेपी प्रत्याशी संयोगिता सिंह जुदेव को आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा है। वहीं नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा गया है। आपको बता देते हैं कि संयोगिता सिंह जुदेव चंद्रपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं और कांकेर में मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से बिना इजाजत के प्री सर्टिफिकेशन और सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी रानू साहू ने दो प्रत्याशियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गरियाबंद से खबर, जहां गरियाबंद के थाना छुरा के अंतर्गत ग्राम छतरपुर के सिवनी व्यवसायी लीलाराम सिन्हा की चारपहिया वाहन ने 2 साल के मासूम की जान ले ली। गाड़ी पिकअप रिवर्स ले रही थी, तभी बच्चा गाड़ी से टकरा गया, जिसको अस्पताल ले जाया गया जहां बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद वाहन चालक ने खुद को थाने में सरेंडर कर दिया है।
एक्सीडेंट हुआ है सर, और क्या स्थिति है बच्चे का? जैसा कि उसे परिजनों बताए हैं जी कि बच्चा घर के बाहर जो है गली में खेल रहा था। हाँ। और छतरपुर में ही हाँ कोई व्यापारी है जी जो व्यापार करने गया था जी, और अपनी गाड़ी को मोड़ रहा था, उसके नीचे आ गया वो चक्के के नीचे जी जी, जिससे बच्चे के सिर में, चेहरे में और छाती में जी चोट आई थी। स्पार्क भी खत्म हो गया था जी जी। मैं अस्पताल जो लाया गया, मैंने चेक किया जी, और मैंने पाया कि बच्चा जो है एक्सपायर हो गया है जी, जिसकी सूचना मैंने जो है लिख दी थी सूचना को कि देर देर बाद जो है बच्चा ला गया था जी। कितने साल का है सर बच्चा? बच्चा लगभग 2 साल का है। 2 साल का है सर? 2 साल। और फोर व्हीलर है सर जिसमें एक्सीडेंट हुआ? जिसमें एक्सीडेंट हुआ है वो फोर व्हीलर है जी जी। ठीक। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फास्ट इंडिया 24 के साथ।